अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल ऑसम किस्म की वीडियो के अंदर। तो बाबा जी थंबनेल और टाइटल से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है ना वो किस बारे में होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो पर एक लाइक जरूर करके जाना और एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर करना, क्योंकि पबजी के रिलेटेड यही वो चैनल है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर आपको पबजी से रिलेटेड जो है ना वो हर तरह का कंटेंट, फिर चाहे वो यूसी गिव वे हो, रॉयल पास गिव वे हो, किसी भी किस्म की लीक्स हो, गेम प्लेज हो, कुछ भी हो, आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाना है। तो मेक श्योर कर लेना आप लोगों ने कि यार सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग ना यार चलते हैं सीधा अपने मेन मुद्दे की तरफ। बाबा जी बहुत ही औसम किस्म का जो है ना वो एक सूट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है पबजी के अंदर, यानी कि अभी आई थिंक सो कि पबजी पीसी में वो आ गया, लेकिन पबजी के मोबाइल के अंदर यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्सपेक्टेड अगला एक्सूट होने वाला है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यार एक पीडीबी का क्रेट आ रहा है मम्मी सूट को लेकर, तो वहाँ पर जो है ना हमें तीनों के तीनों मम्मी सूट अगेन जो है वो देखने को मिलने वाले, और वहाँ पर आई थिंक सो कि एक औसम किस्म की गन भी आ रही है अगेन से। तो उसके बारे में भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस भाई ने वो वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी। इसके अलावा मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाबा जी मम्मी सूट के अलावा एक एक्सूट भी आई थिंक मम्मी के ऊपर आने वाला है यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। जो बंदे ये वाला एक्सूट देख के कह रहे थे ना भाई इसका कोई लेवल नहीं है, इसकी एंट्री फ्लाश ये वो, मुझे खुद भी इसकी एंट्री बहुत ही औसम लगी। किल मैसेज बस ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा औसम थी। हम इस एक्सूट को एक दफ़ा जो है ना वो कर लेते हैं, आप कह लो कि चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड वो एक सूट और ये उसकी स्पिन है। हमने इसकी क्रेट ओपनिंग भी किया तो, और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, और मम्मी सूट वाली जो है वीडियो उसका भी मैं आप लोगों को लिंक एंड पर दे दूंगा, आप लोग काइंडली वो लाजमी चेकआउट करना जिसने भी वो लीक वीडियो नहीं देखी। तो यहाँ पर फ्रेंड ये इसका ट्रेलर श्रेलर को छोड़ते हैं, हम यहाँ पर अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि ये है हमारा एक सूट जो कि इसका स्पेक्ट्रल अराइवल कुछ ऐसा बहुत ही मुझे औसम लगा, यानी कि मैं कह लूँ कि आग उगलता हुआ जो लाइन है ना वो आता है उसके ऊपर बैठ के हमारा एक्सूट जो है ना वो आ रहा होता है। और ये है इसकी एडवांस फॉर्म जिसके अंदर ये थोड़ा बहुत जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। विक्ट्री ब्रॉडकास्ट एक अच्छा है लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, इससे बहुत ही ज़्यादा औसम जो है ना मुझे उसका लगता है भाई अपने ब्लड ड्रैगन का, जो कि अपना वन ऑफ माई फेवरेट है, ठीक है ना। उसके बाद और सिल्वरनेस को नहीं भूलना। शॉक एंड वेव के अंदर यार इसका एंट्री मोड ऑसम है भाई, मुझे बहुत ही चस आती है। और जो सबसे मज़ेदार सीन है ना ये जो पीछे से लाइन आ रहा है ना भाई, ऑसम है यार इसका, लिटरली ऑसम है इसका। मुझे किल मैसेज इतना कुछ खास नहीं लगा, सूट इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ये एंट्री मोड ऑसम था। ये है इसका एक्सक्लूसिव मोड जिसके अंदर लाइन बाबा जी इस एक्सूट की तलवार लेकर आ रहा है। इसका ये फाइनल फॉर्म और ये इसका रेडिएंट फॉर्म जिसके अंदर, अब ये देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग ये देख लो ग्लाइडर, ये बहुत से लोगों को ना बहुत ही ओपी लगा, आप लोगों ने देखा भी भाई ये मैं कहता हूँ एक औसम किस्म का जो हॉर्स है ना आप कह लो उसको पर लगा दिया उन्होंने भाई और वो उड़ रहा है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ ना वो एक्सपेक्टेड है कि बाबा जी अगले एक्सूट के अंदर उस तरह का मम्मी सूट आने वाला है और उसी तरह का कुछ ग्लाइडर हमें जो देखने को मिलने वाला है ना भाई आप इसको भूल जाओगे, लिटरली आप इस ग्लाइडर को भूल जाओगे यार, मैं सही बता रहा हूँ। बहरहाल ये आपने एक्सूट देख लिया, मैंने इसकी क्रेट ओपनिंग की है, मेरे पास अभी भी इसके कुछ कॉइन्स और कुछ गोल्ड वगैरह पड़े हैं, लेकिन मैंने इसको अभी तक एक भी फॉर्म अपग्रेड नहीं किया। तो पहले तो यार मैं सोच रहा था कि मैं इसको लेवल 4 तक लेके जाऊँ, लेकिन जब मैंने एक्सपेक्टेड एक्सूट के बारे में सुना, देखा, उसको परखा, मैंने बोला यार नहीं मम्मी एक्सूट जो है ना उसको लेवल अप करना चाहिए, मैं यहाँ पर इसको नहीं करना चाहिए। हाँ मे भी मैंने इसकी एक क्रेट ओपनिंग करनी है इसके जाने से पहले पहले लाजमी, तो मे भी मैं इसकी एएमआर जो है ना उसको रिडीम करूँ, क्योंकि ये मेरी अभी तक जो है ना वो क्रेट ओपनिंग में नहीं निकली, और अगर ये निकल आई हमारी क्रेट ओपनिंग में तो भाई वेल एंड गुड हो जाएगा। बहरहाल ये मुझे लाजमी चाहिए, और एक ये मुझे इमोट चाहिए जो कि अगर मिल जाए तो यार मैं कहता हूँ चस आ जाएगी यार। इमोट की यार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों का तो ये फ्री में निकला है लेकिन मेरा अभी तक नहीं निकला, हालांकि मैंने 10,000 ऑलमोस्ट यूसी लगा दिए थे, कोई क्योंकि आपको पता है इसकी एक अचीवमेंट भी आई हुई है मिथिक इमोट्स की, लेजेंडरी इमोट्स की, तो मैं उसके लिए भी मिथिक इमोट्स वगैरह इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है ना अचीवमेंट कम्प्लीट हो जाए। अच्छा अब ये तो बातें काफ़ी हो गई, लेकिन इसके अलावा मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्लैन के बारे में पूछा था तो काफ़ी भाइयों ने बोला कि हाँ यार हम क्लैन के लिए रेडी हैं, आप इसके ऊपर जो है ना वर्क करें। तो यार देखो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्लैन को मैनेज करना ना मेरे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल सी बात होने वाली है। बहरहाल हाँ मैं क्लैन जब भी बनाऊंगा तो उसका एक दो लीडर और को लीडर ऐसे रखेंगे जो कि पूरी तरह क्लैन को मैनेज कर सके, और उनके अंदर जस्ट वही बंदे ऐड होंगे जो रिस्पेक्टेड बंदे होंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते होंगे क्लैन मेंबर्स की भी, और अगर हम किसी और के साथ खेलते हैं तो उन सब भाइयों की भी। तो मेक श्योर कीजिएगा आप लोग और मुझे दोबारा से बताइएगा कि हाँ यार क्लैन हमें बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए।
इसके अलावा यार मैंने एक और चीज़ सोची है लाइव स्ट्रीम के बारे में कि यार रोज़ चाहे छोटी मोटी लाइव स्ट्रीम हो लेकिन वो 1 से 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम मैं करना चाहता हूँ। अभी भी यार लिटरली मैं उस कमरे में बैठा हूँ जहाँ का फ़ैन ख़राब है और मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो पर लाजमी लाइक शेयर करके जाना, सपोर्ट करना लाजमी, जो भाई न्यू है सब्सक्राइब लाजमी करना, और मुझे बताना कि यार क्या ये मामला ठीक है कि मैं रोज़ चाहे वो 1 घंटे के लिए आऊँ चाहे 2 घंटे के लिए आऊँ लेकिन लाइव स्ट्रीम लाजमी किया करूँ। उसके अंदर रूम्स भी हो जाएंगे, उसके अंदर गेम प्लेस वगैरह भी हो जाएंगे, वो जैसा भी हम सिनेरियो देखेंगे हम उसको वैसे मैनेज कर लेंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हमें रोज़ 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे की स्ट्रीम करनी चाहिए। टाइम मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि यार देखो जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रीम वो इतने की ही होने वाली है, यानी कि अगर आप बोलोगे ना यार 4-5 घंटे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर आया भी तो 7 बजे तक आऊँगा और उसके बाद मैक्सिमम 9 बजे या 6 बजे आऊँगा, तो 8, 8:30 बजे तक हम स्ट्रीम को ऑफ कर देंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या हमें स्ट्रीम करनी चाहिए या फिर नहीं। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं अब अपने सीधा उस छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का एक्सूट पबजी के अंदर रिलीज होने वाला है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं सीधा अपने लीक्स की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए आचो मेरे साथ। तो बाबा जी कुछ इस तरह की उसकी आईज होने वाली हैं यार, औसम है। मैं कहता हूँ कि जब इसकी ये आईज चमकेंगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या ही बला लग रहा है। लिटरली अभी तक किसी भी एक सूट को इन्होंने आई थिंक सो के फैरो के अलावा इस तरह नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिसको इन्होंने इतना एक ओपी करके दिखाया हो कि यार वाकई क्या ही कमाल की चीज़ है। उसके अलावा ये लुक इसकी चेक करो भाई, औसम है भाई, औसम है, लिटरली औसम है यार, क्या ही खतरनाक किस्म की भाई ये लुक लग रही है। मैं कहता हूँ कि एक बंदे को फील आती है कि भाई वाकई कोई जो है ना वो न्यू चीज़ आई है पबजी के अंदर। और ये है इसका ग्लाइडर जिसकी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था यार, लिट अच्छा देखो वो आपने देखा वहाँ पर ना वो एक कह लो कि इतने डरावना है, उसके अंदर से कोई ऐसी वाइब नहीं आती जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि यार आपने बड़ी कोई हैवी चीज़ पहनी हुई है, लेकिन इसको देख के लगता है कि भाई वाकई आप मैं कहता हूँ डेमन जो है ना कोई जा रहा है और भाई ख़त्म कर देगा पूरी की पूरी लॉबी उड़ा देगा, कुछ ऐसी वाइब आ रही है इसके अंदर से। और हमारी जो न्यू एक्सपेक्टेड गन स्किन है जो कि मे बी सेक्स सूट के साथ आ जाए तो वो ये होने वाली है जो कि हमारी P90 है न्यू वाली, और इसका डैमेज कतई जहर है भाई, जो भी इसको चलाता है जो भी इसका शौकीन है भाई तैयार हो जाओ, ये गन आ रही है इंशाल्लाह ताला, मे बी आ रही है लेकिन कुछ डाउट पर। एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया कि यार है चांस लेकिन कन्फर्म नहीं है। इसके अंदर इन्होंने एक रिंग सा दिया हुआ जिस तरह के हमारी लास्ट टाइम ग्रोजा आई थी उसके अंदर था, तो ये उसी तरह की कुछ चीज़ आप इसको कह सकते हो। बहरहाल ये बहुत ही ओपी किस्म की गन है, इसका फायर रेट, इसका डैमेज, हर चीज़ इसकी ओपी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं भैया, आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार ये एक्सूट आप लोगों को कैसा लगा। मैं अगर मुझसे पूछो ना एक्सपेक्टेड एक्सूट है आई थिंक जो है वो पबजी पीसी के अंदर आ भी गया है मेरा ख्याल है। मैं पबजी पीसी खेलता नहीं हूँ ना ही मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि पबजी पीसी खेलता हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि क्या मेरी बात ठीक है, ये वाकई एक सूट आ गया है या फिर नहीं आया। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ना लाजमी बताना है, और किस किस सूट भाई को जो है ना ये वाला सूट औसम लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। साथ साथ यार बैटल चल रही है, एक दूसरे की हेल्प करते रहे, क्योंकि यार टीम बैटल मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं खेलता। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट 1-1.5 घंटा रह गया है बैटल एंड होने में, तो लेट्स सी कि मैं विन कर पाऊँगा या फिर नहीं। मे बी PK3 के लिए हम जाएँ मैं और मेरा पार्टनर बहरहाल, फिर भी देखेंगे जो भी होगा। तो उम्मीद है आप लोग अपने भाई की आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो पे एक लाइक जरूर होकर जाना, चैनल अच्छा लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक इंशाल्लाह ताला आपकी वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट कंटेंट आप किस तरह का देखना चाहते हैं ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और स्ट्रीम के बारे में बताना नहीं भूलना यार, लाजमी स्ट्रीम के बारे में बताना है कि स्ट्रीम चाहे छोटी हो होनी चाहिए या फिर नहीं। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।